अच्छा जी, तो अब सीन कुछ ऐसा है कि अब हमें चाहिए चाय ताकि हमें कैफीन की कमी ना हो जाए। अड़े प्राने गरम गरम चाय ले ली है और ले क्या आदिल भाई, चाय तो बहुत अच्छी है। क्या बात है, देखा भैया जी ये तो हैंड हो गया। ये क्या चक्कर है, ये सिर्फ नेरा ही नेरा है यहाँ पे, तो वो नजारे नजर ही नहीं आ रहा जो नजारे लेने आए थे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रामे, वेलकम टू रामे जोन। कैसे हैं आप लोग? सो आप लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बाहर का माहौल तो देखा होगा कि यार ये बंदा फिर कहाँ रहा है और गाड़ी में बैठा है दोबारा से। तो भाई सीन कुछ ऐसा जो हुआ है इसकी वजह से हुआ है। ऐसा है बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इसका फॉल्ट, बाकी हासिलपुर की बस सर्विस का फॉल्ट, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चक्कर ये है कि जी आज हम फुल एमरजेंसी माहौल में इस्लामाबाद आए, इमरजेंसी अभी आए नहीं है, अभी हम सिर्फ बहेरा ही पहुंचे हैं रोजे के साथ, ठीक है। तो जनाब हमारे पास टाइम बहुत कम था, सुबह सुबह 10 बजे की बस थी हासिलपुर से, और माशाल्लाह हमारा छोटा सा शहर है उसकी छोटी छोटी सी सर्विसेज हैं, और उन्होंने कहा जी बस खराब हो गई है हम नहीं भेज सकते आपको। तो जनाब साहब का एक बहुत जरूरी काम था, इन्होंने एक टेस्ट देना है वहाँ पे इस्लामाबाद ताकि आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें साथ लेके जाएं, अब नहीं गुजारा हो सकता जब तक अहमद भाई है बेचारा, तो क्या टेंशन बेचारा तब से गाड़ी में बैठ के पढ़ रहा है और भाई रोजे के साथ गाड़ी चला रहा है। हम 1:30 बजे के निकले हुए हैं और अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है, अभी पूरे 5:30 हुए हैं और हम बेरा पहुंच गए हैं, इससे आगे गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं है। और अब यहाँ पे फ्रेश होंगे आराम से, गाड़ी की रिफ्यूलिंग करवाएंगे, ये शीशे पे बहुत सारे मच्छर मुच्छर से आ गए इनको सेट कराएंगे और अपने आप को सेट करेंगे थोड़ा सा और फिर भाई यहाँ से आगे इस्लामाबाद जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। इससे पहले की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सके कि भाई दास्तरियामा बहुत अर्जेंट निकले सी। लेट्स गो। हमने सोचा कि इफ्तारी जो है ना आज मुनाल फ्यूजन को सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे इफ्तारी का क्या सीन है, अगर यहाँ पे बेहतर हुआ तो फिर आज की इफ्तारी हम मुनाल फ्यूजन पे ही करेंगे। तो अभी थोड़ी सी ये देखें वाइब ले रहे हैं, क्या बात है यार, कसम से हासिलपुर में इतनी गर्मी थी। मैं मानता हूँ कि पहले जितनी गर्मी नहीं थी, लेकिन कसम से इस मौसम के साथ नहीं आप रल सकते, ये जगह ही जन्नत है। ये देखें ये इस्लामाबाद आने से पहले जो उसकी हवाएं हैं ना, ये इस्तकबाल करती है यहाँ पे बेरा पे, ये मज़ा है। अब इससे आगे जो आगे चढ़ाइयाँ आनी है उसने दिल को ठंडक दे देनी है। तो खैर जो भी कहो ना, जितनी बार भी इस्लामाबाद आओ मैं कहता हूँ कि उसका चार्म ख़त्म नहीं होता। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फ्रेश फ्रूश हो लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि इफ्तारी का क्या सीन। ये है भाई मुनाल फ्यूजन से हम हुए हैं, ये इनका जी मेन्यू उन्होंने दिया है और जिसमें ये दही भल्ले और ये सब कुछ जो है ना 650 रुपये पे ठोक रहे थे। अब हम एक दफ़ा हार्डीज का चक्कर लगाने जा रहे हैं कि ये लोग इफ्तारी में हमारे साथ क्या सलूक करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं ना पता चले फैमिली डील लें तो जी 5 ग्लास में मिंट लेमनेड मिल रहा है 2500 रुपये में, अल्लाह भला करे तुम लोगों का यार, खुदा का खौफ खाओ। ये एक बड़ी सेक्सी सुनाटा नज़र आई है, क्या यार इसका ओनर पता नहीं कौन है, लेकिन भाई ऑल ब्लैक और क्या उसने मैट ब्लैक रैप कराया, सो सेक्सी, क्या बात है। नहीं यार ये बहुत बहुत सेक्सी है, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इसकी नसीब में करे, लेकिन बहुत खूबसूरत गाड़ी तैयार की है। आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ सर्चिंग फॉर अफ्तार मेन्यू, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अफ्तारी करेंगे तो हार्डीज की करेंगे, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा कुछ खाना नहीं है। अफ्तारी में हार्डीज़ जो है वो एक अच्छी डील दे रहा है, सिंगल बर्गर विद मिंट स्प्राइट, और आई थिंक कि वो लाइट सा ही कर लेना चाहिए सबसे पहले। बाकी जो है हम इस्लामाबाद पहुंच के अच्छे से फ्रेश हो के फिर डिनर शिनर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है ना अफ्तारी का टाइम का इंतज़ार करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर वॉक करेंगे, चहलकदमी करेंगे, अफ्तारी का ऑर्डर देंगे। आदिल भाई भी तब तक एनर्जेटिक हो जाएंगे, देखे ना दोनों के मुंह लटके हुए हैं है ना, सुबह का सफर ही किए जा रहे हैं, तो अब ना बिल्कुल मतलब माहौल डेड हुआ हुआ है। तो अब इंशाल्लाह ना अफ्तारी के बाद ही और अफ्तारी में आपसे मुलाकात होती है। अभी हम लोगों ने अफ्तारी का ऑर्डर दे दिया और डील ले ली है हाड़ी से, और अब इंशाल्लाह अफ्तारी का इंतज़ार है। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ की वाइब दिखाता हूँ, माशाल्लाह क्या बात है आदिल भाई, वेरी हैप्पी
दो मिनट स्प्राइटें आ गई हैं, दो पानी की बोतलें आ गई हैं, बाकी का ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और अभी हमने कहा है कि स्मोकिंग नहीं करते, हम स्मोकिंग एरिया में बैठे हैं क्योंकि फ्रेश हवा चाहिए। अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ है भाई, समझ नहीं आ रही है क्यों इतनी ज़्यादा घुटन है, लेकिन घुटन है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर हो सकता है हम बस वाले इलाके से उठ के आए, इसलिए हमें ऐसी फील हो रही है, इसलिए हमने कहा कि हाँ हम खुली हवा में बैठना पसंद करेंगे। मच्छर मुच्छर है नहीं यहाँ पर, तो इसी वजह से हम बाहर बैठ गए। अब बस करेंगे हम अफ्तारी का इंतज़ार। इफ्तारी हो गई है, सुकून आ गया। आदिल भाई कैसे? ठंडक पड़ेगी। अब ये है अपनी इफ्तारी, जिसके अंदर दो बीफ बर्गर हैं और दो चिकन बर्गर हैं। अब बस ही इनको गुम करके हम आपसे मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अफ्तारी फुल मॉल में कर ली, ठीक है। ये अच्छा जी, तो अब सीन कुछ ऐसा है कि अब हमें चाहिए चाय ताकि हमें कैफीन की कमी ना हो जाए और सिर ना दुखने लग जाए। और जैसे ही हम जाएगा का पकड़ लेंगे, फौरन गाड़ी में बैठेंगे और साथ ही अपना सफ़र शुरू कर देंगे ताकि टाइम से अब इस्लामाबाद भी पहुँच जाए ना, ऐवी गल्लां जी ना रह जाइए। हम लोगों ने डंकिन डोनट्स तलाश कर लिया और यहाँ से अब हम लेंगे चाय, अल्लाह करे अच्छी हो, और फिर हम चाय लेके आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। माहौल आप देख सकते हैं, आप बादलों की पोजीशन चेक करें और क्या बात है, मतलब क्या ही बात है। साढ़े भरा ने गर्म गर्म चाय ले ली है और ला क्या आदिल भाई, चाय तो बहुत अच्छी, क्या बात है। देखा चाय लेके आए, सुकून जहा हो गया हूँ। इस तो बाद हम गड्डी वाल जा रहे हैं, जाके बैठांगे उन्हें चलावांगे। तो ये तो पहले अपना ना हम अगर बेरा तो फेर ही रहे हैं, मैंने लगता घंटा तो अज हो गया तकरीबन, और अब मैं सोच रहा हूँ कि ना एम टैग में लोड भी करवा ले ना, ऐप से लोड करें आज, फिर फिजिकली पैसे डलवा लेते हैं उसमें। ओके जी, इस्लामाबाद की तरफ फिर अब लेट्स गो होते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। रस्ते में आपको थोड़े थोड़े एस्थेटिक्स जो है मैं दिखाता रहूँगा। भैया जी, भैया जी, ये तो हैंड हो गया, ये क्या चक्कर है, ये सिर्फ नेरा ही नेरा है यहाँ पे, तो वो नज़ारे नजर ही नहीं आ रहे जो नज़ारे लेने आए थे। कलर कार के मोड़ तो आई जा रहे हैं लेकिन वो पहाड़ तो नजर ही नहीं आ रहे यार। आदिल भाई ये क्या हो गया, ये नेरा हो गया यार, ये क्या हुआ, ये तो पहाड़ देखने तो आए थे, ये तो पहाड़ी पहाड़ के, ये पहाड़ के पहाड़ी नहीं नजर आ रहे ये तो सिर्फ नेरा ही नजर आ रहा है। सो देख ले यहाँ पे ना, कभी कभी यहाँ पे दिन में पहाड़ से नजर आते अभी कुछ नजर नहीं यार अभी बस रात का माहौल है और बस गाड़ी चलाते जाए और मंजिल पे पहुंचते जाए, कुछ कोई चस वाले सीन नजर नहीं आ रहा। वो जगमग जगमग दूर दूर जरा नजर आ रही है मुझे, जो कि मुझे लगता है कि वो कलर का हार का टर्न है और वहां पे जो है ना वो स्लो करके गाड़ियां गुजार रहे हैं। अब हम भी कैमरा बंद करते हैं इससे पहले कोई पुलिस वाला रोक ले। अल्लाह हाफिज। जनाब इस्लामाबाद में इंटर हो गए हैं और बेहतरीन माहौल है यहाँ पे, आते सारी हल्की हल्की बारिश देखने को मिल गई है, क्या वेलकम किया इस्लामाबाद ने। अब बस यहाँ से अब सीधा होटल जा रहे हैं, वहाँ जाके चेक इन करते हैं, चेक इन करने के बाद देखते हैं कि क्या सीन है, मतलब इससे आगे अब क्या करते हैं। रात को सोना तो है ही है ना, लेकिन हल्का फुल्का डिनर भी तो करेंगे ना, पेट पूजा किए बगैर कैसे काम चलेगा। तो जी फाइनली आपके भाई ने रूम में चेक इन कर लिया है, बजट फ्रेंडली रूम दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अच्छी वाइब, क्या बात है। और वॉशरूम बेहतरीन हो गया ब्रो, अब अच्छे से सोएंगे, सुबह फ्रेश उठेंगे, हम जाएंगे खाना खाने। चलो ब्रो आ जाओ, लेट्स गो। डिनर करने का प्लान नया सीन ये है कि कोई जगह सूझ नहीं रही थी कि कहाँ पे जाएं। लास्ट टाइम हम जब यहाँ से डिनर करके गए थे तो सबसे अच्छी जगह हमें लगी थी कैपेशियस, सो अब हम डिनर करने वहाँ जा रहे हैं, लेट्स गो। जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, दिल थाम के बैठे हैं और बस एक दफ़ा इसको एब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये खूबसूरती है कैसी। कम टू कैपेशियस, ये ज़रा मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ। वाह, ये जगह लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सेक्सी हो गई है, क्या बात है। ये इनका ज़रा सीटिंग चेक करें,
बेहतरीन। और आपके भाई की मेंबरशिप भी है इस क्लब की, मैंने बड़े स्टार्टिंग में ली थी। हम पाइनियर्स थे इसमें ब्रो। खैर बेहतरीन सिस्टम, अब यहाँ पे आराम से बैठ के अपना डिनर एंजॉय करेंगे। फाइनली हम लोगों ने फूड जो है वो ऑर्डर कर दिया और इंशाल्लाह विद इन 20 मिनट्स आ जाएगा और फिर हम डिनर करके वापस जाके रेस्ट करेंगे। भाईजान अब एनर्जी लेवल फुल लो हो गया, इससे आगे व्लॉग नहीं बना सकते और इससे आगे फेरा तोरा भी नहीं कर सकते। लगे हैं सोने, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है सुबह।